टाइम टू सम अप, और मुझे पता है कि डॉक्टर सारा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि आखिरी ब्रेक से पहले जो है वो सेशन जो है वो टफ होता है, लोग सोच रहे होते हैं कि हमें ब्रेक पे जाने की नहीं देती. सो आई वुड लाइक टू कॉल मिस जारा ऑन द स्टेज हु इज रिप्रेजेंटिंग आखा यूनिवर्सिटी एंड फ्रॉम द पब्लिक हेल्थ सेक्टर एज़ वेल. थैंक यू मैसम. सो आई विल इंश्योर कि ये 15 मिनट आपके पेनफुल नहीं. आई नो कि वी बीन सिटिंग हियर सिंस 2 o'clock और एवरीबॉडी वांट्स टू लीव, बट आई विल इंश्योर कि जब आप यहां से जाएंगे तो यू विल लीव विद अ मैसेज हाउ एआई इज यूज्ड इन पाकिस्तान. आई थिंक दैट इज द फोकस ऑफ माय टॉक टुडे. ओके, सो आई एम ज़ारा वुडबॉय. आई एम अ physician by profession, but I'm also a public health specialist. I work in the Department of Pediatrics here at the Aqa University. So, agar physicians hai is audience mein 60%, to unko pata hoga ki Millennium Developmental Goals jo the, jo 2015 mein conclude hue, Pakistan usme se koi bhi maternal ya child health indicator meet nahi kar saka. We did not meet any of these. And then came the Sustainable Developmental Goals, जो UN और WHO ने put out किए, जो अब are 17, goal 3 being good health and well-being. So what are we doing differently to actually now achieve these goals? कुछ तो अलग करना पड़ेगा. Problem क्या है पाकिस्तान? Problem है ये. पाकिस्तान में डॉक्टर या स्किल्ड प्रोवाइडर टू पॉपुलेशन ग्रो रेशो जो है वो बहुत ऑल्टर्ड है. बहुत कम ट्रेन नर्सेज डॉक्टर्स LHBs LHWs है फॉर पर 1000 पॉपुलेशन. एंड एज यू कैन सी इन दिस मैप सिमिलर प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट इन इंडिया एंड अफ्रीका. हमारी आपकी लाइफ टाइम में ये शॉर्टेज नहीं पूरा होने वाला, तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू देन? This is where task sharing, this is where AI will come in. जो public health sector से हैं, उनको शायद पता होगा कि पाकिस्तान में like many other low middle income countries, there is a skilled care provider force जो about primary education उनकी होती है. They're called the lady health workers. ये government की workers हैं जिनकी grade 5 education होती है. वो have access to about 60% of Pakistan's population. इनका मैंडेट है डोर टू डोर विजिट्स करना, मोस्टली प्रमोटिव प्रिवेंटिव मैसेजेस. ऑफ कोर्स मैटरनल एंड चाइल्ड प्रॉब्लम्स आर अ बिग प्रॉब्लम ऑफ आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, सो दैट इज देयर मेन मैंडेट. बट रिमेंबर दे ओनली हैव प्राइमरी एजुकेशन. हम इनको कैसे एम्पावर कर सकते हैं कि वो जो बहुत ही कम ट्रेन प्रोवाइडर्स है हमारे पास, उसके पास वो एक्चुअली डिजर्विंग पेशेंट पहुंचे. एंड दैट इज वेयर AI will come in, and I will show you how. Say, so last year, Gates Foundation, USAID, and Rockefeller made a report published, AI in Global Health. And this has really been a game changer in, for people in situations like ours to think how AI can be used here. So they put out a framework here, just mein unhone baat ki ki ji, kaise population level pe, individual, patient level pe, हेल्थ सिस्टम्स के लेवल पे या सप्लाई चेन लेवल पे हाउ कैन एआई प्ले अ रोल. बट द एंटायर पर्पस ऑफ दिस हैज टू बी वन, एक्सेस. हमारी पॉपुलेशन के पास एक्सेस नहीं है टू फैसिलिटी. हाउ डू वी गेट एक्सेस टू देम? बट रिमेंबर द लैंसेट कमीशन इन 2018 पब्लिश्ड अ रिपोर्ट, एक्सेस विदाउट क्वालिटी इज अनएथिकल. मतलब अगर हम मरीज को अस्पताल लाते हैं लेकिन वो अस्पताल इक्विप्ड नहीं है या उसके पास क्वालिटी सर्विसेज नहीं है, वी आर एक्चुअली डूइंग डिसर्विस टू द कम्युनिटी. एंड हाउ कैन वी इंश्योर मोर? सो इसी रिपोर्ट में 4 एरियाज आइडेंटिफाई किए गए हैं फॉर ग्लोबल हेल्थ. पॉपुलेशन हेल्थ, लास्ट ईयर HIV आउटब्रेक हुआ इन सिंध. कुड वी हैव प्रेडिक्टेड दैट आउटब्रेक? Maybe in the next 5 years we could have if we had all that data available. Patient wellness. हमने पहले भी सेहत कहानी की जैसे जब वो प्रेजेंट कर रही थी उन्होंने बताया कि जी स्मार्टफोन यूसेज इज इंक्रीजिंग. हमारी मिडिल क्लास के पास अब स्मार्टफोन एक्सेस बहुत कॉमन होता जा रहा है. किन
empower the person himself to take charge of their own health and wellness, अपनी डाइट को, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को, अपनी स्लीप को, अपनी ड्रग इंटेक्स को मॉनिटर किया जा सकता है. Frontline health worker, of course, my area of specialization is public health, and I'm going to talk about it much more, so I will leave that for now. And then how can we help the clinician? Now remember, everyone is not trained, लेकिन there are a lot of physicians sitting out there in the community जिनको हम empower कर सकते हैं AI-powered algorithms and technology के union से. हेल्थ सिस्टम्स के लिए इज एआई बेनिफिशियल? यस. नो शोज की हमने थोड़ी देर पहले बात की थी. कैन वी इंप्रूव नो शोज? दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर ऑल हॉस्पिटल्स इन पाकिस्तान अक्रॉस द वर्ल्ड. कैन वी इंप्रूव फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर पाकिस्तान? एंड आई विल शो यू वन ऑफ आवर प्रोजेक्ट्स वेयर वी आर वर्किंग ऑन दिस. क्या सप्लाई चेन्स, फार्मा, ऑपरेशनल जो इश्यूज होते हैं रिलेटेड टू हेल्थ सिस्टम्स, कैन दे यूटिलाइज किया? And of course, eventually, the clinician to improve diagnosis and care. So, remember, there are challenges for scale-up, and someone said, data is the currency for AI. Garbage in, garbage out. Data is the key. So, when we do our projects, we have to ensure that data is of good quality. There should be no compromise. But remember, there are a lot of ethical issues that may arise. Would you want a machine to take a decision about your health or about your child's health? Kya AI, agar AI kehta hai ki aapke bacche ko sepsis hai, is that acceptable to us? We have to think of these things as AI comes into practice. So ethical issues, governance regarding AI, and then this marriage, right, of all these sectors sitting here. So there are people from the engineering industry, they're actually industry partners, and there are academics and physicians like us. We need to work together to build solutions that are for us and will eventually benefit the end user. End user kaun hai? End user frontline health worker ho sakta hai, wo patient ho sakta hai, physician. Jab tak benefit transfer nahi hoga, hum health indicators mein koi change nahi dekhenge. And so what we need to think up to think about this report about the experience about investing into AI. So it is a costly affair, we know that. So we need to invest if you want to see the returns. We need to make sure, like we spoke about data, the evidence that is generated. Remember, our population is different. We are not like the Caucasian or the African American population. Hum mukhtalif hain. Hamari diseases behave differently. Hamari risk factors different hai. Our algorithms should be made on populations like us for them to be effective. And then capacity building. So like Mesam and Ali sir spoke earlier about, you know, this clinician data scientist, they're learning about medicine and about diseases, and physicians like us learning about how AI works is where capacity building needs so that AI can actually show its true potential. So I now want to take you actually projects at AKU where we are using AI. जब AKU लोग सोचते हैं तो लोग सोचते हैं ब्यूटिफुल पिंक वॉल्स, क्लीन कैंपस, एफिशिएंट, गुड क्वालिटी, इनफैक्ट हाई क्वालिटी केयर. बट वेरी फ्यू ऑफ अस नो दैट AKU वर्क्स बियॉन्ड दीज फोर वॉल्स इनटू सेवरल कम्युनिटी साइट्स. वेयर आई विल टेक यू राइट नाउ, ये है रेडीकोट, जहां हमारी एक कम्युनिटी फील्ड साइट है. जब लोग ये वीडियो देखते हैं वो कहते हैं ये वो साइट है जहां फूड नहीं है, बेसिक शेल्टर नहीं है, एजुकेशन नहीं है. आर यू श्योर यहाँ पे आप AI की बात कर रहे हैं? आर यू श्योर यहाँ पे टेक्नोलॉजी का कोई रोल है? यस, यहाँ पे रोल है. और यही मैं आपको बताऊंगी हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स के ग्लिम्पसेस से. जो सारी ये प्रोजेक्ट्स हैं इस वक्त आर ऑल अप एंड रनिंग. आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट, दिस इज फंडेड बाय द गेट्स फाउंडेशन. 2018 यूनिसेफ releases a report. Highest mortality in the first 24 of hours of life is in Pakistan. Ek bachcha jo paida hota hai Pakistan mein, uska highest chance hai among all countries of the world to die. We are worse than Africa, we are worse than Afghanistan. Can we predict in pregnancy? Kaun si mother hai jiska ye bad outcome hoga? We can't. We don't have any model.
And that is what we are trying to develop. We are trying to develop a model based on women from our part of the world, from Ibrahim Hedley, to predict whether this pregnancy will end up as a stillbirth or death within the first week of life. लेकिन unfortunately जब बच्चे survive भी कर जाते हैं वो delivery का time, they are still dying. Third highest contributor to neonatal mortality, that means mortality in the first month of life, Pakistan में है, ठीक है? Die बच्चे मर क्यों रहे हैं? Infection उसकी बहुत बड़ी वजह है, लेकिन उसकी एक और वजह है congenital heart defects. Babies are born with heart defects. जो अनफॉर्चुनेटली डायग्नोज भी हो सकते हैं बिकॉज यू नीड स्पेशल ट्रेन पीपल यू नीड स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट टू डायग्नोज दिस कम्युनिटी में आपको लगता है रेडी बोर्ड में फैसिलिटी मौजूद होगी नो बट कैन अ सिंपल डिवाइस लाइक अ पल्स ऑक्सीमीटर जो आप नॉर्मली आप जाते हैं आपके यू नो फिंगर पे लगा दिया जाता है ओ टू सैट आपको नजर आता है आपकी सैचुरेशन 99% है ग्रेट क्या वो सिंपल डिवाइस हमें ऐसा डेटा दे सकता है जिससे हम ये डिसाइफर कर सके कि इस बच्चे को इन्फेक्शन है वर्सेस इस बच्चे को हार्ट अटैक है दैट इज अ प्रोजेक्ट वी रिसेंटली गॉट फंडिंग फ्रॉम द इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक एंड वी विल बी रिक्रूटिंग 1000 न्यूबॉर्न्स फ्रॉम इब्राहिम हैदरी टू डू दिस वर्क मूविंग ऑन हमने सलाइवा की बात की थी कि सलाइवा से वी कैन डू सो मच टेस्टिंग सो वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू डेवलप दिस नैनो टेक्नोलॉजी पावर्ड डिवाइस टू न्यूनेटल सलाइवा पे विद इन द फर्स्ट 48 आवर्स ऑफ लाइफ कैन प्रिडिक्ट कि इस बच्चे को नेक्स्ट 7 डेज में सेप्सिस होगा वॉट इज द एडवांटेज ऑफ दैट हमारे पास लेडी हेल्थ वर्कर है क्या कम्युनिटी में हेल्थ वर्कर है वो घर घर जा रही है अगर वो सलाइवा पे टेस्ट करे कि ना ऑफकोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट 10 ईयर्स लेटर दिस इज समथिंग दैट वी वॉन्ट टू गेट टू बट दैट इज द आइडिया ऑफ दिस प्रोजेक्ट कि अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये बच्चा अकॉर्डिंग टू आवर एल्गोरिथम बेस्ड ऑन द मेटाबोलाइट वी हैव अ फ्यू मोर वी हैव थैलेसीमिया सो जिया आवर पार्टनर्स फ्रॉम इंटीग्रेशन एक्सपर्ट विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ वी आर यूजिंग इमेजिंग ऑन कार्डियक एमआरआईज फ्रॉम आवर ओन नॉट ओनली एकेयू बल्कि दिस इंक्लूड्स डेटा फ्रॉम फातमी फ्रॉम कशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर एज वेल एंड देन कम्स द हॉस्पिटल राइट सो हम सब जानते हैं जब हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं पेशेंट एक्सपीरियंस ड्राइव्स अ लॉट ऑफ हाउ वी फील अबाउट द हॉस्पिटल हाउ वी फील अबाउट आवरसेल्व्स वेदर वी वांट टू कंटिन्यू ट्रीटमेंट सो साथ आवर पार्टनर्स फ्रॉम इफ्लक्स वी बी टॉकिंग अबाउट द पेशेंट एक्सपीरियंस वर्क कैसे वी आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट कि कौन सा मरीज है जो यहाँ से हमसे खुश नहीं होके जाएगा अर्ली ऑन दैट ड्यूरिंग देयर स्टे इन द हॉस्पिटल हम उनका एक्सपीरियंस बेहतर कर सकें And then lastly, आप ER पहुंचते हैं आपका कोई very close to you needs an admission and you are given a bill of an estimated bill of 100,000. आप discharge होते हैं वो bill 2 lakh का हो जाता है How do you feel? You feel miserable. मैं अपने सारे resources को plan करके यहाँ अपने किसी करीबी को लाई के 100,000 में मैं उसको manage कर लूंगी लेकिन जब मैं discharge होती हूँ मुझे bill 2 lakh कर दिया जाता है Can we predict at the time of admission using minimal data from the ER कि कौन से लोग हैं जो diverge होते हैं उस estimated bill से जो hospital में अपनी तरफ से निकाला हुआ है This is a project that IBA students are working on with us to actually find out are there predictors which can help us identify those who were DBA ताकि उनको एक realistic bill शुरू से दिया जाए So again working on the frontline workers as well as the clinical support. So just a couple of minutes on the union of AI and technology. मैं rheumatic heart disease की बात कर रही थी जो doctors हैं वो जानते होंगे और for the other audience, rheumatic heart disease is a condition जहाँ पे repeated infection होता है with a bacteria. That bacteria, that repeated infection due to the surroundings that we live in, overcrowding, poor hygiene conditions, damages the heart valve. Most common in school going children. But doesn't manifest until later in life when they get full-blown heart failure. अगर वो pregnant माँ है और वो pregnancy में जाती है with rheumatic heart disease, 90% mortality rate, extremely high. अब इसको diagnose कैसे करें? इसके लिए चाहिए हमें echocardiogram. Very few trained pediatric sonographers in Pakistan, and echo costs about 10,000 rupees. Do we have those kind of resources? We don't. But what do we have? This is a device known as the butterfly.
So this probe actually can hook on to any smartphone and image the heart. So minimal training, minimal imaging can help predict. But even better, can we have a digital stealth? Digital stealth, aaj se koi 50, 60 years pehle use hota hoga. It has a big footprint. Or usme jo hai, you can actually record the ECG as well as the phonocardiogram. So jo heart sounds hote hain, wo bhi audible hote hain. Now for this child, jisko ek subclinical disease hai, matlab koi symptoms nahi hai sir, but heart valve is damaged, can we pick up this child on screening through a digital stealth? A digital stealth with an algorithm like this can help workers screen children in school. We are doing this project with the Citizens Foundation schools. We will be screening 2,000 children in the next 1.5 years to develop this algorithm. And moving on to thalassemia, so I won't take the thunder away from Zia, but cardiac MRIs. MRI again, expensive cheez hai. Thalassemic bachon ko MRI ki zarurat hai because repeated blood transfusions ki wajah se the iron is being deposited in their heart and we need to monitor that to monitor their treatment. Ab MRI kitnon ke paas access hai? Hyperfine. Hyperfine is a company where I can proudly say one of our AQU alumnus is sitting on the board of this company in the States. And next year we will be having Hyperfine in testing mode in Pakistan, where we will try to do mobile MRIs. So go to homes, perform MRIs, and use the algorithm that we are now developing, integrate it with this machine to improve care for thalassemics. Har saal Pakistan mein 8,000 thalassemic bache pata hai. So this is the care we need to provide. So yes, I represent AKU and I represent my team here, but it would be unfair and totally incomplete to acknowledge all the partners that we work with. And our engineering partners, I'm very proudly say, are all local. It includes EFLOX, integration experts, NED. We recently reached out to GIK and University of Peshawar. All local talent because we want to solve problems of our own. Yes, we do have international collaborators from Harvard Medical School, Boston Children's Hospital, and from Johns Hopkins. And I would just like to end. We have some community screening camps karte hain, grade 5 ke bache ne ye poster lagaya hua tha. And I think this is the ethos of our work. Ye hamari duniya hai, ye hamari problems hain, aur ye hamari responsibility hai to solve karna. And that is what this AI and technology union will do for us, inshallah. Thank you. Thank you.